दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हम लोग दसवीं हिंदी मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के सभी इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर लिए हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी चाहते हैं इस बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल ये बोला गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या आपके पाठ्य पुस्तक में एक कविता दी गई है, और यह कविता के जो रचनाकार है उसका नाम बताना है। तो इस कविता के रचनाकार का नाम है कुंवर नारायण, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए कि वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। दोस्तों, याद रखिएगा, वीरेंद्र डंगवाल का जो पहला कविता संग्रह है ना, उसका नाम है दुष्चक्र में सृष्टा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देखते हैं। क्वेश्चन 33 कहता है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि आपके कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है भारत माता, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और इन्हें ही प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन हम लोग 34 को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 34 कह रहा है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। यानी वह कौन ऐसे कवि थे जो वर्ण आश्रम तथा कर्म कांड का जो भी व्यवस्था चल रहा था, इन सभी को विरोध करके अपना निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किए थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उस कवि का नाम था संत गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो गुजरात के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 35 कहता है कि नगर संवेदना के कवि कौन से हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, नगर संवेदना के कवि का नाम है वीरेंद्र डंगवाल, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैट्रिक के हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके, और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सके। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 कहता है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता का क्या नाम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का जो चित्रण करने वाली कविता जो है ना, उसका नाम है हिरोशिमा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन 37 कहता है गुरु नानक के पद हैं। दोस्तों, गुरु नानक के जो पद है ना, उस पद का नाम था प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देखिए। क्वेश्चन 38 कहता है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। दोस्तों, रसखान के द्वारा कृष्ण लीला का जो गान किया गया है ना, वो सवैयों में किया गया है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 39 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 39 कहता है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई है। दोस्तों, याद रखिएगा, कवि प्रेम घन के द्वारा अधिकांश रचना की गई है ना, वो ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा में की गई है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। दोस्तों, याद रखिएगा, स्वर्ण किरण जो है ना, ये प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, और इन्हीं के द्वारा भारत माता नामक प्रसिद्ध कविता की रचना भी की गई है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कविता के द्वारा लिखा गया है, सॉरी किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मजयी नामक जो प्रबंध काव्य है ना, ये कुंवर नारायण नामक कवि के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन 42 कहता है
कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। दोस्तों आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा जो थे ना, उसका नाम है सही वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों याद रखिएगा, आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पे क्वेश्चन 43 कहता है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, यानी वह कौन ऐसा ऑप्शन सही होगा जो पहली बार अस्पताल में गई हो और उसका विरोध नहीं की हो। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मंगू की जो माँ है ना, ये जब अस्पताल में जाती है तो पहली बार वहाँ के वर्ण व्यवस्था को देखकर, वहाँ पे जो व्यवस्था होती है उसे देखकर उसको विरोध करने का मन नहीं करता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल, क्वेश्चन 44 हमारा कहता है कि माँ रात से कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई। माँ जो है रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आ गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उस समय का जो समय हो रहा था ना, ये 10:45 बजे का समय है जब माँ रात को हॉस्पिटल से लौट कर घर आ जाती है। उसके बाद में अगला सवाल है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। दोस्तों याद रखिएगा, गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था ना, वह था रंगप्पा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रंगप्पा जो था गांव में एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। अगला सवाल यहां पे क्वेश्चन 46 कहता है कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सातकोड़ी होता जो है ना, ये उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकारों में से एक हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 47 को देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 47 कहता है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। दोस्तों याद रखिएगा, देवी नदी एक बांध है जिसके ठीक नीचे लक्ष्मी का घर पड़ता था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देखते हैं। क्वेश्चन 48 कहता है कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी। दोस्तों याद रखिएगा, मंगू के अलावा उसके माँ के 2 संतानें थी, और मंगू को लेकर उसके माँ की लगभग 3 संतानें थी। और मंगू के अलावे अगर क्वेश्चन बोला जाएगा, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाएगा। ध्यान रहे, बोला जाएगा कि मंगू के माँ के कितने संतानें थी, तो 3 हो जाएगा, और मंगू के अलावे माँ की कितने संतानें थी, तो 2 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। दोस्तों याद रखिएगा, पुष्पा ने ही सीता को रसमलाई भेजी थी, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 50 कहता है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। ये दोस्तों याद रखिएगा, सीता के जो बड़े लड़के का जो नाम है ना, वो क्या है, तो ये हुलास है। क्वेश्चन का सही जवाब हुलास नहीं बल्कि कैलाश है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब कैलाश हो जाएगा। सीता के बड़े लड़के का जो नाम है वो कैलाश है। अगला सवाल क्वेश्चन 51 कहता है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। दोस्तों कवि जो सुजाता है ना, तो ये सुजाता के माध्यम से कितने ऐसी कृतियाँ हैं जो पब्लिश हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सुजाता की लगभग 25 से अधिक कृतियाँ जो है वो पब्लिश हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। अगला सवाल क्वेश्चन 52 को देखिए कि नगर कहानी के अनुवादक किसे माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, नगर कहानी का जो नायक है ना या अनुवादक है, वो सुजाता को कहा जाता है। और सुजाता के माध्यम से ही आपके पाठ्य पुस्तक नगर एक कहानी की रचना की गई है, जो काफ़ी ही प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अगला सवाल यहाँ से व्याकरण खंड का चालू होता है, और क्वेश्चन 53 यहाँ पे कहता है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। दोस्तों अनुज एक पुल्लिंग वर्ड होता है, और इसी का जब हम लोग स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं तो अनुज का अनुजा हो जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 54 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 54 कहता है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे हमें अधीन का शुद्ध वर्ड खोजना है। यदि अधीन लिखा जाता ना, अधीन रहता, तो हम लोग ऐसे इसे हम लोग लिख सकते थे, लेकिन ये अधीन का हमें शुद्ध वर्ड खोजना है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए कि दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यहाँ पे दास शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि दास का मतलब होता है नौकर चाकर, जो नौकरी करने वाले व्यक्ति को दास कहा जाता है। तो दास का मतलब नौकर या चाकर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे कुछ दोस्तों क्वेश्चन 57 को देखिए, सॉरी 56 को देखिए। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि विशेषण हम लोग किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलावे, वैसे तमाम शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे अपेक्षा एक संज्ञा है। अब अपेक्षा का विशेषता हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो अपेक्षी अपेक्षित यहाँ पे लिखेंगे, तो ये विशेषण बन जाएगा। संज्ञा से ये विशेषण बन गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा, तो अपेक्षित हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि वाक जाल शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, यानी वाक जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, वाक जोड़ जाल बराबर वाक जाल होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि पूरब शब्द संज्ञा है। दोस्तों पूरब एक शब्द है, इसमें कौन सा संज्ञा लगा हुआ है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जानवरों के नामों का बोध हो, वैसे तमाम शब्दों को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें से पूरब भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन 58 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे 59 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 59 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आवे उसे ही ना सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यह राम एक संज्ञा है, अच्छा एक विशेषण है, भाई बहन भी एक संज्ञा है जिसमें द्वंद्व समास लगा हुआ है, लेकिन हमें तो चाहिए सर्वनाम यानी प्रोनाउन चाहिए हमें। तो यह, वह, तुम, हम लोग, वे लोग, हम सब, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये तमाम वर्ड के तमाम वर्ड सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन नंबर 59 का भी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 60 कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं, और विशेषण के कुल चार भेद होते हैं। एक होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, और एक होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण संज्ञा के प्रकारों में से एक विशेषण होता है, और गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण से किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान या किसी भी व्यक्ति का गुण का बोध हो उसे ही हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, या काला, गोरा, लंबा, नाटा, ये तमाम के तमाम शब्द गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अच्छा एक ऐसा वर्ड है जिसे किसी भी वाक्य में यदि हम लोग यूज करेंगे ना, तो उस वाक्य में हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस वाक्य के अकॉर्डिंग उसका गुण क्या है। तो यहाँ पे अच्छा एक गुण को प्रदर्शित करने वाला शब्द है, जिसके कारण क्वेश्चन 60 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि एक किलो रहता ना, तो एक किलो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, दो भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। हालांकि इस मॉडल पेपर में पूरे 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो कि कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जा चुके हैं, और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और साथ ही questionforexam.com वेबसाइट पर जाके तमाम क्वेश्चनों का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट वीवीआई स्तर सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।